मेरे साथ हिप हॉप के जितने भी यहाँ पे फैन जुड़े हैं वो ये सब जानते हैं कि जैसे कोई अननोन बंदा जो हिप हॉप नहीं सुनता, अगर उसको हम हिप हॉप सुना दें और अगर हमारे इंडियन आर्टिस्टों के लिरिक्स समझा दें या वो समझ जाए, तो भैया उसको 2 मिनट ही लगेंगे उस आर्टिस्ट को अपने सर माथे पे बिठाने पर। क्योंकि हमारे हिप हॉप के आर्टिस्ट इतना कतली लिखते हैं, इतना शार्प लिखावट है उनकी कि अगर किसी ने उनके लिरिक्स को रिलेट कर लिया तो सर से पैर तक हिल सकता है। तो आज हम बात करेंगे इक्का की एल्बम निशो की। उससे पहले अगर किसी को अपने गाने के लिए बीट चाहिए या मिक्सिंग मास्टरिंग की सर्विस चाहिए हो तो मुझे इंस्टा पर मैसेज करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इक्का की निशो वाली एल्बम में जितने रैपर्स का कोलैब हुआ है, मुझे नहीं लगता कि उतना रैपर्स का कोलैब किसी दूसरी एल्बम में कभी हुआ होगा। रागा, अघोर, सीधे मौत, इक्का, रफ्तार, कट्टर, इन सब आर्टिस्ट की वजह से ये एल्बम इतनी हैवी बन चुकी है लिरिकली कि शायद ही कोई इसको मात दे सके। पूरी एल्बम के गाने एक से बढ़कर एक, इस पर तो कोई शक नहीं है, पर जो मेरे पर्सनली फेवरेट है वो है टॉप ऑफ लिरिकली रैपर डेड और ग्रैफिटी। लिरिकली रैपर डेड और ग्रैफिटी में तो इतने भयानक तरीके से सच्चाई परोस दी गई है कि भाई तुम कुछ करो ना करो इन दो गानों को तो जरूर शेयर करो, जरूर, क्योंकि ये गाने हर किसी को सुनने चाहिए, वो रैपर हो या ना हो। और जो टॉप ऑफ में ड्रिल बीट पे जो वाइब आ रही है, कसम से अच्छे खासे के गूस बम्स खड़े हो जाए। अपने हिप हॉप आर्टिस्ट की सबसे बढ़िया बात ये होती है कि भाई इनकी मेहनत दिखती है, इनका काम दिखता है, पर सबसे मतलब बुरा तब लगता है जब इनकी मेहनत बहुत ज़्यादा रहती है पर उनको उन हिसाब से रिस्पांस नहीं मिलता, इनको उस हिसाब से व्यूज़ नहीं मिलते। मतलब प्यार मिलना चाहिए यार जिस हिसाब से कोई इंसान मेहनत कर रहा है। और इसमें गलती भी हमारी है, क्योंकि जब कोई डिस सॉन्ग आता है, बीफ होती है, तो भाई हम उसको दबा के सपोर्ट करते हैं, हम उनके बारे में करते हैं, उनके कमेंट देखो, हम बहुत दबा के प्यार जताते हैं। पर जब कोई आर्टिस्ट अपनी एल्बम निकालता है, सिंगल्स निकाल रहा है, मेहनत करके सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम सीधे सुनते हैं और बस हो गया काम, ना शेयर ना कुछ ना, हमको करना चाहिए यार। तो बस आखिरी में यही कहूँगा, निशो एल्बम को सपोर्ट करो, दिल से शेयर करो, क्योंकि एक आर्टिस्ट को अपने ऑडियंस से सिर्फ एक प्यार की ही उम्मीद होती है। अब वो भी उसको ना मिला तो वो टूट जाता है। तो मिलते फिर अगली वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय।